आपने तस्वीरों का जिक्र किया, मुझे लगता है तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं अपने में। इतना मैं जरूर बोलूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मौजूदा बिहार में राजनीतिक घटनाचक्र को देखते हुए कई सारी चिंताएं, कई सारे कंसर्न्स हम लोगों के रहे हैं। ये कंसर्न्स और ज्यादा तब बढ़ जाते हैं जब कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आती है। मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के क्या सामने आते हैं, कई तरीकों की संभावनाएं सामने आती हैं, पर हकीकत क्या चल रही है ये सही जानकारी जानना जरूरी था। पिछले 2-3 दिन से इसीलिए मैंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ था कि जब तक अधिकृत जानकारी नहीं आती है तब तक इसके ऊपर बयानबाजी करना, अगर मगर के प्रश्नों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 2 दिन तक मैंने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं था। आज इतना जरूर है कि मेरे और इस दौरान मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुखबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई, लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं जरूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोले तो काफी सकारात्मक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने कंसर्न्स हैं उनको जरूर गंभीरता से एड्रेस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी, उसके आधार पर पार्टी अपना फाइनल स्टैंड उस वक्त आप लोगों के सामने। नीतीश कुमार का स्वागत आप करेंगे चूंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उसके बाद लगातार नीतीश कुमार पे भाई पहले ये क्लियर तो हो जाए कि मुख्यमंत्री जी इधर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर मगर पे प्रश्नों के उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है, फिर अगर मगर का सवाल है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका जवाब तभी दिया जाएगा जब। अभी तो फिलहाल वो महागठबंधन का हिस्सा है। आज की तारीख में वो जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो महागठबंधन की सरकार है। जब वो इस्तीफा दे देते हैं और जब इधर आने की औपचारिक घोषणा कर दी जाती है, पार्टी उस पर भी अपना रुख। देखिए आज की तारीख में हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं, मजबूती से हम लोग आज की तारीख में हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं। आज जितने भी कंसर्न्स में आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के समक्ष या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखने गया, एक सहयोगी के नाते ही मैं वहां पर गया था। एक सहयोगी के नाते ही मुझे आश्वासन दिया है और आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा कि जैसे जैसे परतें और खुलेंगी, जैसे जैसे चीजें और सामने आएंगी, तथ्य और सामने आएंगे, उसके आधार पर पार्टी अपना कानून व्यवस्था को लेकर सरकार चलाने को लेकर जुड़ी हुई क्या सवाल ये पुनः अगर मगर से जुड़ा हुआ सवाल।